तो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी सिलेरियो के अंदर जो बेसिक एसेसरीज डलती है वो दिखाएंगे। और आज जो हमारे सामने खड़े सिलेरियो वो है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। हमने गाड़ी के अंदर सबसे पहले लगाया, देखो इंस्टॉल करा है सेंटर लॉक। मैं आपको लॉक अनलॉक करके दिखा देता हूँ। अगर आप अनलॉक करेंगे दो बार साउंड आएगा, प्लस इसके अंदर हमने एक सायरन भी डाला है। लॉक करने पर सिंगल टाइम साउंड आएगा और गेट्स आपके देखो लॉक हो जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं लेगा पीछे आर ओ की आपको बैजिंग है, ब्रांडिंग मिलेगी और प्लस जिसके ऊपर जो क्रोम फिनिश है ओवरऑल इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। चलो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कार के अंदर क्या क्या काम हुआ हुआ है। तो भाई सबसे पहले अगर हम गाड़ी के अंदर देखेंगे तो हमने कार के अंदर सबसे पहले आज बकेट में सीट कवर्स इंस्टॉल करे हैं, जो कि इन कवर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आप लोगों को देखो देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी के सीट कवर से दिखाऊँ तो कार के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बकेट्स में सीट कवर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी कुछ आपको इस टाइप की लुक आएगी। प्लस डुअल टोन गाड़ी के अंदर जो कवर रहेंगे हमने डुअल टोन इंटीरियर वाले इंस्टॉल करें, जो कि बीच कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टैन कलर है। और प्लस मैं आपको इसके अंदर बकेट्स की एक बेनिफिट बता देता हूँ, ये जो इसके अंदर हमने क्वालिटी यूज़ करी है जिसको कह सकते हैं हमने कपड़ा जो यूज़ करा है यहाँ पे, इसके अंदर हमने इंपोर्टेड लेदर का यूज़ करा है। उसी के साथ यहाँ पर हमने टैन कलर की जो हमारी ब्लैक और टैन की जो कॉम्बिनेशन अच्छी बैठे तो उसकी हमने यहाँ पे स्टिचिंग डाली है। प्लस यहाँ पर अगर आप लोग इसको थोड़ा क्लोजर लुक देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि एयर वेंटिलेटेड सीट्स होती है ना, कुछ उस टाइप का, हालांकि एयर वेंटिलेटेड नहीं है, जिससे कि आपके कार के अंदर बैठने के बाद कंफर्ट कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा हद तक इनहेंस हो जाता है, जो चीज़ आप लोग बैठने के बाद ही फील कर सकेंगे। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आप लोगों को कार के अंदर दिखाऊं तो हमने कार के अंदर प्रॉपर देखो स्टीयरिंग रैप करा हुआ है। थोड़ी रात हो गई है, मैं आपको एक बार थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई एक बार मैं आप लोगों को स्टीयरिंग दिखा देता हूँ। हमने स्टीयरिंग के ऊपर देखो टैन कलर का स्टीयरिंग के ऊपर जो स्टिचिंग करी है, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्टीयरिंग को जो रैप करा हुआ है टैन कलर की, इसके अंदर यहाँ पे स्टिचिंग का यहाँ पे डिज़ाइन है। ओवरऑल मतलब इसकी जो फिट एंड फिनिश है, फिर ग्रिप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, जो कि ये चीज़ आप लोग बेसिक एसेसरीज के अंदर अगर आप लोग चाहें तो अपनी गाड़ी के अंदर ये बेसिक काम है करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी 9 इंच तक की एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं एक बार इतनी भी क्या जल्दी एंड्रॉयड स्टूडियो की, उससे पहले एक बार आपको मैं एक्सटीरियर में दो काम हो रखे हैं वो चेकआउट करा देता हूँ, फिर दिखाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। हालांकि यहाँ पे जो मतलब ओनर थे उन्होंने इसके अंदर कोई HID वगैरह नहीं डलवाई, हालांकि हमारे के अंदर फॉग लैम्प लगवाने थे क्योंकि सिलेरियो के इस वेरियंट के अंदर फॉग लैम्प नहीं आते थे। जब भी इसके अंदर कार में फॉग लैम्प लगते हैं तो कोई वायर कट तो नहीं होती है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कार के अंदर रिले लगाई जाती है जिससे कि फॉग लैम्प का जो रिस्पांस होता है ना, जो लाइट का थ्रो होता है वो प्रॉपर आ सके। एक बार आपको मैं इसका रिस्पांस दिखा देता हूँ, देख लो भाई कितना ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इसको पार्किंग पे करने के बाद इसके फॉग लैम्प ऑन कर देंगे ना, तो आप पार्किंग के बाद अगर फॉग लैम्प ऑन करेंगे तो आपको मेन हेडलाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर चाहें तो फॉग लैम्प के अंदर LED बल्ब भी लगवा सकते हैं, 55 वॉट तक के हमारे पास LED भी आती है। तो वो डिपेंड करता है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है कि उसको लगवाना है नहीं लगवाना है। तो इन कस्टमर को नहीं लगवाना था तो हमने सिलेरियो के हमने इस गाड़ी के अंदर साइड बीडिंग वगैरह इन्होंने नहीं लगवाई है, हमारे पास वो भी अवेलेबल है, वो नहीं डाली। अगर लगवाते तो हम लगा सकते थे। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कार के अंदर यहाँ पे फ्लोरिंग का काम हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे कार के अंदर प्रॉपर फ्लोरिंग हो रही है और थोड़ी यार रात हो गई थी तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ दिन की बात है, बहुत ही जल्दी आपका भाई कैमरा अपग्रेड करेगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने करी है सिंपल जो फ्लोरिंग आती है 7D फ्लोरिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को पता ही कि अगर बच्चे कुछ खाना पीना खाते हुए अगर गाड़ी के फ्लोर पर कुछ गिरा दें तो नीचे जो मेन आपका कारपेट होता है वो गंदा नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कार के अंदर से कोई गंदी तरीके की स्मेल नहीं आती कुछ टाइम के बाद, कि मतलब कुछ खाना वाना गिर जाए तो उसकी मतलब अजीब सी जो साउंड होती है वो चीज़ से आप बच रहेंगे। दूसरा, हमने कार के अंदर एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करा है जिसकी क्वालिटी मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ और स्टूडियो भी साथ में चेकआउट करवाता हूँ। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। देखो गाइस, आपको प्रॉपर इसके अंदर देखो कितनी बड़ी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स आते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम कम करते हैं, हालांकि देखो इसके अंदर अगर आप लोग चलाना चाहे तो इसके अंदर आपका वाईफाई चल जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से आप लोग प्रॉपर इसके अंदर वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई सा वाईफाई यहाँ से अपना कनेक्ट करके जो भी आपको चलाना है आप चला सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, सेटिंग में जाकर अगर हम एक बार इसकी रैम वगैरह देख लेते हैं तो गाड़ी मतलब इसके अंदर क्या रैम हमें स्टोरेज वगैरह ऑफर करता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, तो भाई ये 4 3.46 GB इसके अंदर यूज़ करी हुई है। 16 GB वाले चिपसेट के साथ साथ ही हमारा आता है। एक बार आप पास से देख लो प्रॉपर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी गाड़ी का एंड मतलब हमारे पास वो नहीं होते टैबलेट्स, बिल्कुल प्रॉपर आपको वही वाली फील इसके अंदर आने वाली है। अब अगर मैं आपको एक बार होम पे जाने का दिखाऊं तो आप लोग अगर म्यूजिक में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग गाना सुन सकते हैं। फुल HD इसके अंदर आप लोगों की वीडियो भी सपोर्ट करेगा ये। उसी के अलावा अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ऐप्स में अगर आप लोग जाएंगे तो इसके अंदर आप लोग यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, क्रोम चला सकते हैं, मैप चला सकते हैं, प्ले स्टोर से अगर कुछ डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए आपको अपना पहले ईमेल आईडी डालना
करना होगा, फिर जो भी मर्जी आप लोग चाहे डाउनलोड करना कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मतलब लॉगिन नहीं हुआ तो इस वजह से यहाँ पे वो आईडी पासवर्ड मांग रहा है। और अगर आप लोग आगे स्लाइड करेंगे तो आपको इसके अंदर रेडियो मिल जाएगा, कार की सेटिंग मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हैं इसके अंदर। अगर आप लोग चाहें तो अपनी इमेजेस वगैरह भी सेव कर सकते हैं। तो यार ये मतलब जो एंड्रॉइड स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले दोनों देखने के लिए मिलता है और प्लस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आती है इसके अंदर, जिससे कि जो कि मतलब बेसिक है वो तो यार आएगी ही आएगी, सही है। साउंड रिकॉर्डर भी आता है गाड़ी के अंदर। और अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं इसके अंदर, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं कार के अंदर। नीचे हमने फ्लोरिंग करी हुई है, मैं एक बार आपको फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ फ्लोरिंग किस तरीके से वर्क करेगी। देखो भाई यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मली मैट्स हैं, मैट अगर आप लोग चाहें तो अगर आप विजिट करेंगे तो इसके अंदर हम लोग ग्रास वाले मैट्स भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा 70 वगैरह जोन से भी आप लोग डलवाना चाहें डलवा सकते हैं। पीछे की सीट की आप लोग फिट एंड फिनिश देख सकते हैं गाइस, थोड़ी रात हो गई है, काम होते होते थोड़ा टाइम लग गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज प्लीज़ आप लोग कर लेना। कार के अंदर हमने देखो इसमें यहाँ पे हमने स्पीकर्स भी डाले हैं। मैं आपको अभी इसकी जो है मतलब साउंड है एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर कैसी साउंड आ रही है। मतलब नॉर्मल बेसिक साउंड आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी मतलब इन्फिनिटी का आप लोग कह सकते हैं कोई बड़ा वाला मतलब जो तगड़ा वाला म्यूजिक सिस्टम होता है ना काफी हाई एंड वाला वो इंस्टॉल नहीं करेगा क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, हमें बेसिक चीज ही चाहिए। इसके अंदर हमने एक रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल करा है, मैं आपको रिवर्स पे लगा के दिखाता हूँ। ये देख लो कुछ आपको कैमरे की क्वालिटी ऐसी देखने के लिए मिलेगी जो कि आप लोगों के सामने, मतलब कैमरे की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी वाइज कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं, देखो बाहर प्रॉपर अंधेरा हो रखा है, कोई मतलब विजिबिलिटी नहीं है, मगर फिर भी देख लो कैमरा कितना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे मतलब काफ़ी सही चीज़ है। अगर तो गाइज यहाँ पे हमारे जो मतलब कार के ओनर थे या कस्टमर थे उनको यहाँ पे डेमो दिया जा रहा था कि हमारी जो गाड़ी के अंदर हमने इंफोटेनमेंट स्क्रीन आज जिसके अंदर लगाई है, फिर जिसको आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो कहते हैं 10 इंचेस तक का जो हमने आज इसके अंदर इंस्टॉल करा है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, या फिर कैसे उसके अंदर आप लोगों को कुछ भी अपनी कोई ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, या फिर अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा काम करना है तो वो कैसे होगा, वो यहाँ पे नॉर्मल सा मतलब एक बेसिक सा जैसे इंट्रो देते हैं वो चीज़ यहाँ पे दी जा रही थी। और उसके बाद अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग दिल्ली से नहीं हैं, अगर दिल्ली से कहीं दूर से रहते हैं तो चाहो तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अगर ऑनलाइन भी मंगवाना है तब भी आप लोगों को जो ये नंबर दिख रहा होगा आप इस पर कॉल करके पूछ लेना, आप लोगों के लिए ऑनलाइन कभी अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी अगर मैं सिलेरियो की ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात करूं तो वो चीज़ भी आप लोग कॉल करके पूछ लेना क्या चीज़ कितने की लगी है, तो आपको वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो का ही प्राइस के बारे में बात करें तो बेसिक आप लोगों को जो स्टार्टिंग प्राइस है शायद से एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास 4,000-4,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के हमारे पास हर टाइप के एंड्रॉइड स्टूडियो अवेलेबल होते हैं। अब डिपेंड करता है, कस्टमर टू कस्टमर वरी करता है कि उनको कितने प्राइस वाला लगवाना है, क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या उन्हें मतलब रैम मैनेजमेंट या फिर गाड़ी के अंदर जो भी है मतलब इंफोटेनमेंट स्क्रीन आते हैं इसके अंदर किस टाइप की स्टोरेज चाहिए, अब वो कस्टमर टू कस्टमर वरी करता है। अगर जिसको जो चाहिए वो हर टाइप के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर आज की मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, आया तो लाइक करो शेयर करो और प्लीज़ यार कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ तो व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर कर ही सकते हैं, तो प्लीज एक के साथ तो कर दो, उससे हमारी चेन बन जाएगी और आगे से आगे वीडियो शेयर होती चली जाएगी। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्लीज।